बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास करे, अपने पड़ोसी को बोलो जब, अगर नहीं बोलो तेरा वाला अगर है। आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? क्या लिखा बाइबल में? जब तू के अगर तू, इसका मतलब अगर मैं उपवास वाला क्रिश्चियन नहीं हूं तो मैं रियल क्रिश्चियन नहीं हूं। शैतान को शुगर देनी पड़े, किडनी रोग देना पड़े, वो देगा, कहीं आप उपवास ना रख लो। कुछ भी करेगा वो, कमजोरी देनी पड़े, कुछ देना पड़े, वो आपको देगा ताकि आप रोजा ना रखो। और जिस दिन आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मुझे ये दिक्कत है मैं दिन रात का उपवास नहीं रख सकती, क्या 5 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 2 बजे तक नहीं रख सकती? क्या 12 बजे तक नहीं रख सकती? शुरू तो करो, बंधन टूट जाएंगे, शुरू करो। उसने ये नहीं कहा इफ यू फास्ट, उसने कहा जब तू, ये नहीं कहा अगर तू, उसने कहा जब तू। तो जब तू मतलब ये कमांड है क्रिश्चियन बंदे के लिए, उसके लिए रोजे जरूरी है। मैं जी काम करता बहुत, तो मैं रोजा नहीं रख सकता। ताई काका जो तू काम करन जाना दे, गवाचियां गावां वांगू वजदा फिरदा इधर उधर, तेन पता ही नहीं लगता करना की है। क्यों क्यों नहीं पता लगता? क्यों? जिस तरह खा खा के शरीर मोटा हो जाता ना, चमड़े के टीका नहीं डॉक्टर ला पाते, आत्मावां मोटियां हो गई हैं, टीका नहीं ला पाते दूत। वो चंगाई का टीका लेके आते पर चमड़ी इन्नी मोटी है आत्मिक, वो बेचारे टीके वींगे हो जाते उन्होंने, की करन दूत भी। हां, जब तू, अगर तू नहीं, जब तू, इसका मतलब फास्ट रखना हर बंदे के लिए जरूरी है और कमांड है ये स्वर्गीय। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी में जाओ और अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो। जब तू उपवास करे, जब तू दान दे, उसने ये नहीं कहा अगर तू दान करे, कब मूड कर जाए तेरा, जब पैसे आ जाए, अगर तू फास्ट करे, कहता जब तू फास्ट करे, जब तू प्रेयर करे। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर ये आपकी लाइफ में मस्ट है, आपकी लाइफ में जरूरी है, कोई इसको एक्सक्यूज मी कह के बच नहीं सकता। आमीन। अगर तू उपवास करे नहीं, जब तू उपवास करे तो अपने चेहरे पे उदासी मत ला, खुश रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, आनंद का आत्मा पे आए। ओ आमिनूचा, आनंद आपका, लेखो नमा साथी, आनंद का आत्मा आपका, आनंद का आत्मा आपका, मैंने कहा आनंद का आत्मा आपका, स्पिरिट ऑफ जॉय योर्स, जॉय का आत्मा आपका यीशु मसीह के नाम पे। आमीन। हालेलुया। ऐसे भी लोग होते हैं जब रोजा रखते हैं तो उनके उनकी मासियों को तक को पता होता है रोजा रखे, पूरे मोहल्ले को मालूम, पूरी टीम को मालूम होता है कि फलाने बंदे ने आज रोजा रखा हुआ। परमेश्वर ने कहा अगर लोगों को मालूम हो गया तूने फास्टिंग की है, तुम्हारा प्रतिफल खत्म हो गया। जब मैं फास्टिंग करता हूं, मैं इतना भी ध्यान रखता हूं कि मेरे दाहिने हाथ को भी मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, मेरे घर के वर्कर्स को मालूम ना हो मैंने फास्टिंग की, किसी को पता ना हो मैंने फास्टिंग की। बाइबल का एक एक वचन आग का ताया हुआ वचन है। वो यीशु मसीह के मुंह से निकला एक वचन आपकी लाइफ चेंज कर सकता है पूरी तरह से।